महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष के तेवर बहुत आक्रामक हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा किसान मोर्चा का आयोजन किया गया। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित किए गए इस मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए और ये भाजपा कार्यालय से विधान भवन तक चला। ये मोर्चा विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता वासुदेव काले और तमाम लोगों ने मिलकर किया। इस मौके पर जानकारी देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने जहां किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों का मुद्दा उठाया तो वहीं बिजली को लेकर आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि हमने 5 सालों में कभी किसानों की बिजली नहीं काटी, बिल का भुगतान करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया, लेकिन अब यदि ट्रांसफार्मर बंद कर दिया गया तो बिल का भुगतान कैसे किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसान अन्नदाता है, उनकी तकलीफें बेहद गंभीर है और इस पर राज्य सरकार को चाहिए कि वो ध्यान दे, लेकिन राज्य सरकार उनके समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमाम किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल पा रहा। इन तमाम मुद्दों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा उस समय खोला जब महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है। या प्रकारचं सावकारी सरकार या महाराष्ट्राने कधीच बघितलं नाही। इतक्या सावकारी पद्धतीने वसुली, खऱ्या अर्थाने या सरकारचं नाव महाआघाडी सरकारच्या ऐवजी महावसुली सरकार ठेवलं पाहिजे, अशा प्रकारची वसुली शेतकऱ्यांकडून सुरू केली। आपल्या सगळ्यांना ते माहिती आहे, 5 वर्षांमध्ये एकाही शेतकऱ्याचं कनेक्शन आपण कधी तोडलं? तुम्ही सांगा, तोडलं? कधीतरी तोडलं? बिल भरण्याला सक्ती केली? कोणाला तरी सक्ती केली? या ठिकाणी आमची मागणी आहे, 1 रकमी FRP ही आमच्या शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे। आणि खंडू वगैरे लोक, तिसरी जी मागणी आहे ती अतिशय योग्य मागणी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने शेतकरी सन्मान योजना सुरू करून आपण 42 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा दिला आणि योजना बंद केली नव्हती, योजना अजूनही सुरू होती। हे सरकार आलं, पहिल्यांदा योजना बंद केली। आज कदाचित तुम्हाला पोलीस जाऊ देणार नाही, सरकार तुम्हाला थांबेल, पण काळजी करू नका, तुमचा प्रश्न इथे संपणार नाही आहे। महाराष्ट्राच्या या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये या प्रश्नांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आम्ही हल्ला बोल करून हे प्रश्न सोडवून घेतल्याशिवाय राहणार नाही।